हेलो दोस्तों, चीन की निर्माता कंपनी Xiaomi भारत की नंबर वन स्मार्टफोन कंपनी बन चुकी है। 2014 से शुरुआत करने वाली यह कंपनी आज भारत की नंबर वन स्मार्टफोन कंपनी है। Xiaomi एक के बाद एक अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है। वही कुछ दिन पहले ही चीन में Redmi Note 8 Pro लॉन्च हुआ था और अब यह फ़ोन भारत में भी लॉन्च होने जा रहा है। इसी बीच Xiaomi के लेजेंड ट्विटर अकाउंट के एक ट्वीट से पता चला है कि Xiaomi जल्द ही अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Redmi Note 9 Pro लाने जा रही है। यह फ़ोन 108 मेगापिक्सल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ आएगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं Redmi Note Pro के बारे में कि कब तक यह फ़ोन लॉन्च होगा और इसकी क्या प्राइसिंग रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। तो इसका डिज़ाइन लगभग Xiaomi के Redmi Note Pro जैसा रहने वाला है, यानी Xiaomi इस फ़ोन में कुछ ज़्यादा चेंज करने वाली नहीं है। इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.39 इंच फुल HD प्लस फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगा, जो कि एक सुपर एमोल्ड पैनल का होगा। और इसके साथ ही आपको इसमें फेस अनलॉक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है। और अब हम बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में। तो यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा, जो कि सैमसंग HMX सेंसर पर काम करेगा, और इसके साथ 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और 8 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर मिलने वाला है। सेल्फी कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा देखने को मिल जाएगा। और अब बात करें तो इसके बैटरी के बारे में, तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी आपको मिलने वाली है, जो कि 27 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी। और इसके साथ आपको इसमें USB-C टाइप पोर्ट मिलेगा, जो कि इस फ़ोन की एक अच्छी बात है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी इसके प्रोसेसर की जानकारी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह 100% कन्फर्म है कि यह फ़ोन 5G Qualcomm Snapdragon लेने वाला है। चलिए अंत में हम बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि Xiaomi के Redmi Note सीरीज़ के फ़ोन हमेशा ही 16,000 के नीचे लॉन्च होते हैं, तो यह फ़ोन भी 15,000 से 16,000 के बीच रहने वाला है। तो दोस्तों, इतनी कम प्राइस में आपको 5G सपोर्ट फ़ोन मिलने वाला है, यह एक अच्छी बात है। और इस फ़ोन की लॉन्चिंग की बात करें तो यह फ़ोन 2020 के फरवरी मार्च में लॉन्च होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये था Redmi Note 9 Pro का कन्फर्मेशन। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।